हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक छठ से रिलेटेड है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि छठ का जो व्रत है वो कब से प्रारंभ हुआ और क्यों प्रारंभ हुआ, इसके पीछे का हम लोग कारण जानने वाले हैं, इसके पीछे का हम लोग फैक्ट जानने वाले हैं कि आखिर छठ का जो व्रत है वो कब से और क्यों शुरू हुआ। छठ का व्रत जो है ये पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाने वाली व्रत है और ये हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है। तो हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर छठ का जो व्रत है वह कब से और क्यों मनाया जा रहा है। इसके पीछे जो है कई पौराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं। हम लोग जो है आज तीन इसके लिए जो है तीन फैक्ट जानने वाले हैं, तीन कथाएं हम लोग जो है आज जानेंगे कि छठ शुरू होने का जो कारण है वो तीन कथाओं में हम लोगों को मिलता है कि तीन ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे हम लोगों को ये पता चलता है कि छठ का जो व्रत है वो उस समय से और उस कारण से शुरू हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला लोक कथा जो हमें यह बताता है कि छठ का व्रत जो है कब से और क्यों शुरू हुआ। तो हमारा जो पहला लोक कथा है उसके अनुसार या जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार हम लोगों को पता चलता है कि जब राम ने रावण को मार दिया था, जब राम 14 वर्षों का वनवास झेल लिए थे, उसके बाद जो है वो रावण का जब वध किए थे और 14 वर्षों का वनवास झेल करके जब वो अयोध्या वापस लौटते हैं, तो वहाँ जब अयोध्या वे आ गए, उनका वहाँ पर राज्य अभिषेक हो गया, तो वहाँ के ऋषियों मुनियों ने भगवान राम को सूर्य की उपासना करने के लिए कहा, क्योंकि रावण का जब उन्होंने राक्षस का वध किया था तो उनसे शायद उनसे पाप हो गया होगा, तो उसी पाप से मुक्ति पाने के लिए कि राक्षसों का वध किए थे, कई राक्षसों का युद्ध किए थे और रावण का चूंकि वो वध करते तो ऋषि मुनियों ने उनको ये आदेश दिया कि आप जो है सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य का व्रत कीजिए। साथ ही साथ माता सीता को भी बोला गया कि आप भी जो है सूर्य का उपासना कीजिए। इसके बाद जो है ऋषियों मुनियों के आदेश के बाद जो है एक मुग्धल नाम का जो ऋषि रहता है उनको संदेशा भेजा जाता पूजा करवाने के लिए। जब मुग्धल ऋषि जब आते हैं तो माता सीता को गंगा जल जो है छिड़क देते हैं, उनको जो है शुद्ध करवाते हैं, शुद्धि दिलवाते हैं। उसके बाद जो है मुग्धल ऋषि होते हैं वो माता सीता को कहते हैं कि आप जो है भगवान सूर्य की जो है भगवान भास्कर की जो आप उपासना कीजिए। इसके बाद जो है माता सीता मुग्धल ऋषि के आश्रम में जाती है और 6 दिनों तक वो उपवास करती है वहां पर, और 7वें दिन जो है सूर्योदय के समय वो जो है सूर्य भगवान को जो है अर्घ देती है और जो उनका जो मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है। तो ऐसा एक लोक कथा है, मान्यता है कि उसी दिन से जो है छठ का व्रत जो है शुरू हो गया और पूरे भारत में जो है छठ का व्रत चलते आ रहा है। तो हमारा पहला जो फैक्ट है ये कहता है। इससे कुछ हम लोग और डिटेल जानेंगे कि आखिर छठ जो होता है वो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और छठ जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार कार्तिक मास में मनाया जाता है और दूसरी बार चैत्र मास में मनाया जाता है। तो कार्तिक मास में जब शुक्ल पक्ष के षष्ठी को होता है उस दिन सायंकाल का जो पूजा किया जाता है और सप्तमी के जो है सुबह उगते हुए सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है। तो कार्तिक मास के छठ को कार्तिक का छठ कहा जाता है और चैत्र मास के छठ को जो है चैती छठ के नाम से जाना जाता है। तो कार्तिक महीने में भी होता है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के षष्ठी को जो होता है वो सायंकाल का व्रत किया जाता है और उसके बाद जो है सप्तमी में सुबह का जो व्रत किया जाता है। इसके बाद चैत्र मास में भी ऐसे ही होता है कि चैत्र मास के षष्ठी को जो शुक्ल पक्ष होता है चैत्र मास में षष्ठी को उस दिन जो है सुबह का शाम का व्रत किया जाता है और चैत्र मास के जो है शुक्ल पक्ष में के सप्तमी को जो है वो सुबह का व्रत किया जाता है। तो भारत में जो छठ का व्रत है वो एक साल में 2 बार मनाया जाता है, कार्तिक का छठ और चैत्र का छठ।
अब हमारा जो दूसरा लोक कथा कहता है या वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि आखिर छठ का जो व्रत है वो कैसे और क्यों शुरू हुआ, तो इसके पीछे महाभारत काल का वर्णन आता है कि महाभारत में पांडवों ने जुआ में अपने सारे राजपाट जो होता वो हार जाते हैं, उसके पास जितना भी संपत्ति रहता या जितने भी चीज रहते वो सभी जो है जुआ में हार जाते हैं। इसके बाद जो है द्रौपदी सूर्य भगवान की उपासना करते हैं और जितना भी उनका जो पांडवों का जितना भी सामान था या जितना भी उसके पास धन बल था जो वो हार गए थे, जब द्रौपदी सूर्य भगवान की उपासना करती है इसके बाद जो है पांडवों को खोया हुआ सम्मान या जितना भी उसके पास धन बल रहता है सभी वापस आ जाते हैं। और एक मान्यता है कि उसी समय से जो है छठ का त्योहार पूरे भारत में जो है मनाया जाने लगा है। अब हमारा तीसरा और लास्ट फैक्ट ऐसा कहता है कि ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि छठी मैया भगवान ब्रह्मा की जो है मानस पुत्री है और भगवान सूर्य की बहन मानी जाती है, अर्थात सूर्य भगवान और छठी मैया जो है इन दोनों के बीच में भाई और बहन का रिश्ता है। तो छठ का जो व्रत होता है इसमें सूर्य भगवान की भी उपासना की जाती है, पूजा की जाती है और छठी मैया का भी व्रत किया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि छठी मैया जो है वो भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री है और सूर्य भगवान उसके भाई है। अब तीसरी मान्यता ऐसी है कि छठ मनाने का कि महाभारत काल में ही सबसे पहले कर्ण ने ही भगवान सूर्य की उपासना की थी, भगवान सूर्य का वो पुत्र भी था और भगवान सूर्य का वो बहुत बड़ा भक्त था। तो भगवान सूर्य का जो पूजा है कर्ण जो होता है रोज करता है और वह जो है जाता है और जल में रह करके और रोज का रोज जो है वो भगवान सूर्य को अर्घ देता है। तो ऐसी एक मान्यता है कि वह जो छठ का जो व्रत है वो कर्ण के द्वारा शुरू किया गया है कि कर्ण भगवान सूर्य का जो है रोज उपासना करता है, साथ ही साथ जल में वो रह कर भगवान सूर्य को जल का जो अर्घ देता है। और ऐसी मान्यता है कि छठ का व्रत जो है वहीं से शुरू हुआ है। आप लोगों को इन तीनों कथाओं में से कौन सा जो है कथा सत्य लग रहा है छठ को शुरू होने का, हम लोगों को जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तीनों फैक्ट में से ज्यादा जो सही फैक्ट माना जाता है वो भगवान श्री राम और सीता द्वारा जो किया गया व्रत है उसको माना जाता है। और ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ हो क्योंकि वो त्रेता युग की बात है और ये महाभारत जो है वो द्वापर युग की बात है। तो कोई भी कथा इनमें से सत्य हो, लेकिन ये जो व्रत है बहुत ही भारत का प्रमुख व्रत है, त्योहार है। आप लोगों को हमारा ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।